बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बदायूं में दो मासूमों की हत्या के बाद हंगामा हो गया है। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं पहचानते तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे, इन्हें भी नहीं जानते तो इन्हें तो पहचानते होंगे। ये चेहरा कुछ याद आ रहा है? आप इन सब में से किसी को नहीं जानते? ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनगिनत लोग हैं, किसी को तो जानते होंगे। अगर आप इन सभी में से किसी भी एक व्यक्ति को भी नहीं पहचानते हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि आपने सेक्युलरिज्म की वो चरम सीमा पार कर लिया है जहां पर आपके सामने सच्चाई होते हुए भी आप अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है। 6 साल के मासूम के बच्चे के गला रेत दिया जाता है, 12 साल के मासूम के बच्चे का गला रेत दिया जाता है। मेरे शब्द लड़खड़ा इसलिए रहे क्योंकि ऐसी हत्या देखने के बाद कल रात को यह घटना हुई, उसके पश्चात से रात भर केवल इसी बात को सोच रहा था और सुबह उठते ही मुझे लगा कि जब तक इसके ऊपर बात ना करूं, व्यक्त ना हो, तब तक मेरे मन को शांति प्राप्त नहीं होगी। आज इस वीडियो को भले ही आप अंत तक देख पाओ नहीं देख पाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने की हिम्मत थोड़ी बहुत जुटा लेना। वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, ये मत करना। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत लगेगी शेयर करके इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना, ताकि लोगों को पता चले कि आपके आस पड़ोस में रहने वाला जावेद मियां, आपके आस पड़ोस में रहने वाला आपका नाई, आपका ट्रेलर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी भी आप पर या आपके बच्चों के ऊपर नजर टिकाए रहता है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल आशुतोषा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। क्या साल का है? 6 साल का हुआ है। तो कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई को दुश्मनी थोड़ी थी ना, तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी, हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या बोला, बुला के लेके आओ ऊपर को। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 6 वर्ष का आहान और 12 वर्ष के आयुष की निर्मम हत्या कर दी गई है। अब यह हत्या कोई मामूली हत्या के तहत नहीं किया गया, मजहबी कट्टरपंथी की सोच जिस किताब से उमड़कर इनके रक्त के अंदर सनी हुई रहती है, उस सोच की नियति और उसकी कट्टरपंथी को आप यहां पर समझिए कि कोई बच्चे को मारकर कैसे मार सकता है। उसकी हत्या कोई अलग बात होती है, लेकिन यहां पर हत्या नहीं अपितु उसके गले को इस प्रकार से काटा गया है और इसके खून को जिस प्रकार से अपने चेहरे पर पोता गया है, ये क्या दिखाता है? ये किस बात के ऊपर संकेत करता है कि जिस कट्टरपंथी की सोच के साथ ये बचपन से पले बड़े हैं, उसी सोच के साथ इसका अंत होता है। अब उत्तर प्रदेश का मामला है तो साइड सी बात है कि न्याय तो मिल ही गया। अब न्याय मिला, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही साजिद का एनकाउंटर कर दिया, अब जावेद फरार है, वो भी जब तक हम वीडियो अपलोड करेंगे शायद शाम तक उसका भी खेल खत्म हो जाएगा। अब उस ग्राफिक को मैं यहां पर चला नहीं सकता, आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं अपने ओपिनियन दू, उससे पहले तीसरा बच्चा जो भगवान की दया से बच गया, उसके मुख से ही सुनिए कि उसने क्या देखा, क्या किया और कैसे वो वहाँ से फरार हुआ। सैलून वाले भैया थे, वो लोग आए थे, तभी ऊपर मैं छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटा कर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? एक मिनट में सामने लगी है, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने, ऐसा कुछ बताया आपको? बच्चे की बात सुनकर स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि केवल आहान और आयुष को नहीं अपितु तीनों बच्चों को समाप्त करने की मंशा से ही वो आया था। जिस वस्त्रा से वो कभी आपके बाल काटता है, कभी आपकी दाढ़ी काटता है, उसी वस्त्रा से आपके घर के छोटे बच्चों को मार डाले तो? उसके बाद भी अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं सेक्युलरिज्म को हमें फॉलो करना ही चाहिए, अगर इनका इलाज अब नहीं किया तो कब करोगे? जब आपके बाप को मार देता है तो नंगे पैर घूमने की शपथ लोगे, या आपके भाई को मार देता है तब उसके बदला की बात करोगे, या अपने कोख के बच्चों को समाप्त कर देता है तब हम कहेंगे कि देखा जाएगा? ये सारी चीजें इनके लिए केवल और केवल एक ही का स्वर है कि 72 हूर चाहिए। और इसके बाद सबसे हैरानी की बात यह आई कि उस रक्त को अपने मुंह पर इन्होंने लगाया और उस लगाने के बाद क्या कहिए, तांत्रिक विद्या कुछ करते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों का तांत्रिक विद्या भी करता था, ये कुछ खून पी रहा था बच्चों का, ये अब जांच के विषय है जो बता रहे हैं कि वो तांत्रिक विद्या करता था, क्या करता था, उसकी जांच की जाएगी और जो तथ्य वो सामने आएंगे। पूरी घटना को समझने के लिए आप आहान और आयुष की मां के बात को स्पष्ट रूप से समझे और 2 मिनट का समय और थोड़ा स्तब्ध होकर कृपया स्किप ना कर अच्छे तरीके से उनकी बात को सुने कि किस प्रकार से वो घर में आए, चाय पिया, पानी पिया, 5,000 रुपए उधार लिया, उसके बाद बच्चों को ध्यान से सुनिए। एक भाग गया है, दो थे, एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था, दो थे। क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजन, साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ।
फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, जो 50 रुपया दिए तो मैंने 5 रुपये उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15-15 के 45 के बने। बोले ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया, हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं तो होगा, मतलब मुसीबत तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ, बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात नहीं, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ाते हैं, आप चले जाना 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी, चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ, तो उसका गिलास हाथ से गिरा, तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई, तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो। फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसने, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। 1 लाख पढ़ने पर हजारों ट्वीट के तहत में इस्लामोफोबिया हैशटैग पूरे भारत में नहीं पूर्ण विश्व के अंदर आपको ट्रेंड में मिल जाता है। भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है, एक थप्पड़ पड़ता है और इस्लामोफोबिया जागा हो जाता है। लेकिन यहां पर हिंदुओं के बच्चों के, उनके पुरुषों के और किसी के पति किसी के भाई के गले धड़ से अलग हो जाता है, सर तन से जुदा के नारे जोर जोर से लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मत कहना सेक्युलरिज्म है। इस देश की सबसे बड़ी पनौती और देश का सबसे बड़ा लगा हुआ कलंक ये शब्द है, जिस शब्द ने बर्बादी केवल हिंदुओं के हिस्से में लाकर रखा। अब मुझे लगा था कि इसके विरोध में कोई भी कुछ नहीं करेगा, यानी इस घटना को डिफेंड करने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये कल ट्वीट देखा और ट्वीट के ऊपर इस आदमी का रीट्वीट देखा जिसका नाम है मोहम्मद जुबैर, अब इसने घटना को बताया है सचिन गुप्ता में और लास्ट में क्या लिखा है, दोनों पक्षों में कोई पुराना विवाद था। 6 साल का बच्चा और 12 साल का आयुष, इनके साथ इन दो हराम खोरों का क्या पुराना विवाद हो सकता है? पुराना विवाद था इसलिए उसके घर पे पैसे मांगने गया, पुराना विवाद था इसलिए उसको घर में बैठाया भी, पुराना विवाद था। ये कैसा विवाद है जो इतना बड़ा हाथ कांड करने के लिए तुम्हारे हाथ को उठा देता है? भाई बहुत घटिया चीज और बहुत घटिया तरीके से कर रहे हो। पता है तुम्हारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस बात को कवर नहीं करेंगे, बड़े बड़े लोग इस बात को नहीं बताएंगे। डिक्टेटरशिप पर वीडियो बनाकर उस पर जिंदा रहना बहुत सरल है, इस पर वीडियो बनाकर जिंदा रहकर दिखाओ तब मानू कि तुम डिक्टेटरशिप कहते किसे हो और तुम्हारी व्याख्या कहां पर स्पष्ट होती है। इस देश की सबसे बड़ी गलती यह है कि सर तन से जुदा के नारे के तहत में राजस्थान में गले कटते हैं, महाराष्ट्र में गले कटते हैं, दिल्ली में बच्चों के सर को कुचले जाते हैं, लेकिन फिर भी सर तन के जुदा नारे के लिए दोषी किसे ठहराया जाता है? नुपुर शर्मा को, क्योंकि गलती उसकी है, उसने बात कही जो कि लिखा हुआ है, लिखित प्रमाणित है। उसके बाद लोगों ने लोगों को मारना आरंभ किया, उसके पश्चात भी गलती किसकी? उस एक महिला की है। यहां पर किसकी गलती थी? छोटे बच्चों ने अपने घर के अंदर क्या हनुमान चालीसा का शोर बहुत कर दिया था, इसलिए रमजान के पवित्र महीने के अंदर उसके जो नाई के दुकान में काम करने वाला था 6 बजे ही दुकान बंद करके उसके घर पर जाकर उसके हनुमान चालीसा पर उसे शांत करना था, क्या था? देखो सर, ये सारी चीजें बार बार इस देश में होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब तक इसके प्रतिकार में आप आवाज को नहीं उठाओगे। इन दुकानों से सामान लेना है तो किसी गैर हिंदू के दुकान में जाकर लेना ही क्यों है? YouTube पे कोई बोलता नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर आपको फल खरीदना है तो किसी गैर हिंदू जो आपके भगवान को ही नहीं मानता उसके पास जाकर फल क्यों लेना है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो आपके भगवान को माने, आपको माने, आपकी श्रद्धा को अपने ऊपर रखे, उस व्यक्ति के पास जाकर आप अपना सारा काम करो। इनका सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिक जिहाद जो इसके विरुद्ध में करते हैं, तो इकोनॉमी के तहत में इनका जितना पैसा है उसको बंद करो, यहीं पर इनका सब कुछ बंटाधार हो जाएगा। और सिंपथी कार्ड खेलने आने वाले तुम मुझसे दूर रहना। और ये सिंपथाइजर जो है, मैंने हल्द्वानी के टाइम पर वीडियो बनाकर कहा था कि छोटे बच्चों के वीडियो दिखाकर आपने इमोशनल किया, उसके बाद पुलिस वालों के सर के ऊपर पड़ने वाले पत्थर तुम्हें नहीं दिखे होंगे, क्योंकि उस पुलिस वालों में तुम्हारी माँ बहन बेटी इसमें से कोई नहीं था। इस वीडियो को मैं जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोग शेयर नहीं करेंगे क्योंकि डर लगेगा, कोई बात नहीं है, आप जो कर सकते हो करो, लेकिन जितना हो सके अपने बच्चों को इन जैसे लोगों से, इन जैसे खास करके जिनके मन में ये किताब भरी पड़ी है, उनसे दूर रखे। अब इस वीडियो को शेयर करो मत करो, तुम्हें डर लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा
अब राम जी के भरोसे। और हाँ, दूसरा व्यक्ति भी जल्दी इनकाउंटर में समाप्त हो, ऐसे ही राम जी के चरणों में प्रार्थना है। उन दो मासूम बच्चों को शांति मिले, उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।